जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम फारिस शेख और ये मेरा पहला व्लॉग है। खैर मैं कुछ भी नहीं करता, मैं सिर्फ सो कॉल्ड फोटोग्राफर हूँ, एक बिगनर लेवल का। खैर ये व्लॉग बनाने की वजह ये पता है, जब मैं बच्चा हुआ करता था ना तो मैं सोचता था कि मैं दूसरे शहर जाऊँगा और ढेर सारे पैसे कमाऊँगा, लेकिन वही बात कि हम मिडिल क्लास लोगों के अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। तो सोचा मैंने ये था कि इस्लामाबाद आके एक हैवी बाइक होगी जिसको मैं शशके से उसके सिनेमैटिक शॉट निकालूंगा। ज़्यादा हैवी ना सही, 125 ले लो, भाई की खुशियों में खुश हो जाओ, पैसे नहीं लगते। साथ साथ मैंने ये भी सोचा था कि इस्लामाबाद में इतना बड़ा पार्क है F9, तो क्यों ना उसमें फैशन शूट किया जाए। 6D होगा हाथ में, 70-200 2.8, ओ माई गॉड, पोर्ट्रेट की बात। लेकिन हम गरीब लोग, हमारे अरमान कहाँ पूरे होते हैं, धरे के धरे रह जाते हैं। अगर मैं इस्लामाबाद में होता तो फैसल मस्जिद तो ज़रूर जाता। उसके ठंडे फर्श पे नंगे पांव चलने का मज़ा ही अपना है। फैसल मस्जिद की दीवार पे बैठ के कॉटन कैंडी खा था। और वार्निंग का बोर्ड होने के बाद भी सिनेमैटिक शॉट बना था। और फैसल मस्जिद जाने के बाद मैं मेट्रो पकड़ के सेंटोरा ज़रूर जाता, और मेट्रो में जाके मैं ये बोलता जा। अच्छा भाई, मेट्रो इस्लामाबाद का सबसे कामयाब ट्रांसपोर्ट है, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। तो फिलहाल हम लोग मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। अभी इतनी काम क्यों रही है एलिवेटर? ये बचपन की नादानी है। खैर मेट्रो का सफ़र बहुत अच्छा रहा, मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन एक मौसूफ मिले और उन्होंने ये बोला, हम किसने करा इस्लामाबाद में काम? तो नाशिफ भाई साहब ने किया, लेकिन काम की हालत भी देखें ना, क्या चल रहा है मेट्रो, कैसा चल रहा है मेट्रो। बाकी सब चीज़ें सही चल रही हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि किस किस स्टेशन में पानी नहीं मिल रहा, किसी स्टेशन में रोड का हालत देख लें, स्टेशन की हालत देख लें, ट्रेन की हालत देख लें, ये क्या। अब जब मैं मेट्रो में बैठ ही जाता तो सिनेमैटिक शॉट तो बनते थे ना सेंटोरस के, सेंटोरस करीब मेट्रो भी करीब, तो मैं कैसे दूर रह सकता था बता। मैंने ये सुना है कि इस्लामाबाद का सीवर फूड को कराची की बिरयानी से मिलाया जाता है, तो चलो एक नज़र सीवर फूड पे भी डाल लेते हैं। आखिर कराची की बिरयानी को तो कोई हरा नहीं सकता। अच्छा भाई, ये है सीवर फूड, बहुत तारीफ होती है इसकी, और इसको कराची की बिरयानी से मुकाबला दिया जाता है। इस्लामाबाद का सेवर और कराची की बिरयानी एक जैसी ऐसी है भाई, सेवर किसी के साथ नहीं मिल सकता, इनकी अपनी क्वालिटी है, ये खुद सेवर का जोड़ ही नहीं है, सेवर का किसी से जोड़ नहीं है।
مجھے یہ بات پہلے سے ہی معلوم تھی کہ میں چاہے سیور کھا لوں یا کچھ بھی، لیکن مجھے یہی بولنا۔ اچھا بھائی، سیور آئے، سیور کھایا بھی، لیکن جو بات کراچی کی بریانی ہے نا، وہ سیور میں نہیں۔ چلو نہیں، آپ پوچھیں گے یہ بات ہے۔ ہم سوچتے دوسرے شہر کی زندگی بہت خوشگوار ہے، جبکہ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے۔ صبح صبح اٹھو اور کچن کی طرف جاؤ، گیس نہ آئے تو سلینڈر زندہ باد، چائے بناؤ اپنے لیے ہی نہیں وہ بھی سب کے لیے، باہر سے آؤ اور پھر وہی اکیلا گھر سونا بن، جوتے ریک پہ آرام سے رکھو، بعد اپنا سامان رکھو اور یہاں تک کہ کپڑے بھی خود دو، لگی بے حال۔ جب آپ گھر پہ ہوتے ہو نا تو اماں بولتی ہیں بیٹا کھانا کھا لے، اور یہاں پہ آواز آتی ہے بارش بھائی کپڑے اٹھا لیں۔ اچھا آپ سب سوچے ہوں گے کہ میں اسلام آباد آ گیا، اس طرح سے میں نے اسٹوری دکھا دی، کیا بات ہے اس میں خوش ہونے والی، سب جاتے ہیں کہیں باہر ملک جا کے تو دکھا۔ تو بڑے بھیا نے کہا ہے کہ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھو بیٹا، ورنہ دوسرے اپنی خوشیوں میں بلانا چھوڑ دیں، اکیلے رہ۔